आज हम जले हुए मरीजों में प्राथमिक उपचार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मरीज आग से जल सकते हैं, पानी से या तेल से जल सकते हैं, बिजली के करंट से जल सकते हैं, और इन सब में उपचार अलग अलग है, किंतु प्राथमिक उपचार इन सब में करीब करीब एक ही होता है। सबसे अहम बात, जहां भी मरीज जले उस स्थान से मरीज को पहले थोड़ा दूर ले जाए। जब भी मरीज जले, जिस जगह पे उसको ये दिक्कत पैदा हो उस जगह को साधारण पानी से ही धोएं। कभी भी बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, इससे उस जगह पर नुकसान ज्यादा हो सकता है। जलन या बर्न जिसको हम कहते हैं, बर्न एक स्टेराइल सिचुएशन है, यानी इसमें कीटाणु नहीं होते, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कीटाणु पैदा करने की क्षमता हो और जो घर में मिलता हो, जैसे आटा, टूथपेस्ट, रतनजोत, चीनी आदि का प्रयोग न करें। यदि घर में कोई जलने के बाद लगाने वाला मलहम उपलब्ध है तो उसको लगाएं, वरना इसको सिर्फ पानी से साफ करें और कुछ भी ना करें। कभी भी जलन वाले स्थान पर अगर कोई कपड़ा चिपक जाए तो उसको हटाएं, लेकिन खींच के हटाने का प्रयास ना करें, इससे कई बार चमड़ी खिंच जाती है और नुकसान ज्यादा हो जाता है। ये ध्यान रखें, जलना एक गंभीर स्थिति है, मरीज को जैसे ही संभव हो तुरंत अस्पताल ले जाकर एक स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें और वही आपको इसका सही और बेहतर इलाज बता सकते हैं। धन्यवाद। जले हुए मरीजों को कई बार सही उपचार और परामर्श नहीं मिल पाता, इसी वजह से प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच सेक्टर 8 सर्वोदय अस्पताल में जले हुए मरीजों के लिए मुफ्त परामर्श की सुविधा उपलब्ध है, जो 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। यदि आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको इस परामर्श की आवश्यकता है, तो उसे हमारे पास अवश्य भेजें। धन्यवाद।